जिले में हो रहे भ्रष्टाचार योजनाओं में घोटाला योजनाओं के कार्यों में बढ़ती जा रही अनियमितताएं इन सभी विषय बिंदुओं पर जनता दल यूनाइटेड के पश्चिमी चंपारण जिला सचिव राजेश कुमार से खास बातचीत। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं जदयू के जनता दल यूनाइटेड के पश्चिमी चंपारण जिला के जिला सचिव एडवोकेट राजेश जी। आइए इनसे बात करते हैं कि इनके होते हुए अपने क्षेत्र या पूरे जिला में बहुत सारी समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं, अभी तक इस पे कोई भी निष्पादन का कार्य क्यों नहीं किया गया, सरकारी व्यवस्थाओं में, सरकारी संस्थाओं में और जो भी योजनाएं चल रही हैं जनता के हित के लिए, सारी योजनाओं में कहीं ना कहीं अनियमितता दिखाई दे रही है। अभी तक जनता दल यूनाइटेड का शासन भी कहा जाए, विधानसभा वाल्मीकि नगर भी जदयू का ही है, अभी तक इस क्षेत्र से समस्याएं उत्पन्न होनी कम क्यों नहीं हुई, ख़त्म करना तो संभवतः क्लियर नहीं हो सकता है, पर ये उम्मीद की जा सकती है कि समस्याएं कम हों, पर कम का कोई गुंजाइश नहीं है। वर्तमान समय में जदयू के जिला सचिव हैं और विधानसभा वाल्मीकि नगर में भी जदयू का ही छाप है, जदयू के ही सीट है। क्या मैं जान सकता हूँ कि आपके क्षेत्र में या पूरे पश्चिमी चंपारण जिले में ही बहुत सारी योजनाओं पर अनियमितता, आम जनता को लाभ से वंचित किया जा रहा है, इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? जैसे आप सिर्फ एक मुद्दा पे ही बताएं कि आवास योजना के तहत जनता के अंदर जब तक दलाली नहीं ली जा रही है जनप्रतिनिधियों के द्वारा या प्रशासनिक अधिकारियों के द्वारा, तब तक उनको आवास का लाभ नहीं मिल पा रहा है और जो सक्षम नहीं है दलाली देने में वो इस चीज़ से वंचित रह जा रहे हैं, इस बारे में क्या कहेंगे? के नाते हम अपने पदाधिकारियों से बात करेंगे इस विषय पर और निश्चित तौर पर इसमें सुधार करने का प्रयत्न करेंगे और स्वयं अपने स्तर से भी इस विषय पर जांच करेंगे, इसके बारे में जानकारी लेंगे। हालांकि शुरू से ही जनता सेवा का भाव हमारे अंदर रहा, जब से हमने वकालत करनी शुरू की उस समय से ही जनता के बारे में हमारे अंदर ये ध्यान रहा है कि हम जनता की सेवा करें और जनता की समस्याओं को शुरू शुरू से ही उठाते रहे हैं। चाहे अपने क्षेत्र में रोड की समस्या हो या बिजली की समस्या हो या जल नल से संबंधित समस्या हो, हर तरह की समस्याओं से रूबरू रहे हैं, जानकारी करते रहे हैं और उस पर जो भी सुधारात्मक कार्रवाई हो सका है हमने किया है। रोड बनाने में भी काफ़ी हमने योगदान दिया है। अपने क्षेत्र में हर तरह की समस्याओं पर हम काम करते हैं। जिला सचिव 28/9/2021 को हम बनाए गए हैं माननीय जिलाध्यक्ष महोदय के द्वारा और निश्चित तौर पर उसमें MLC साहब, विधायक जी और MP साहब और भी बहुत सारे जदयू के विद्वान नेतागण मौजूद थे। हम अपनी बात इन सभी समस्याओं का चर्चा उन लोगों से करेंगे और आगे उस पर क्या सुधार हो। जरूर जरूर जरूर। क्या मैं जान सकता हूँ कि ये जो वाल्मीकि नगर क्षेत्र है या पश्चिमी चंपारण जिला है, ये तराई एरिया है, इस वक्त के समय में विगत 2 वर्षों से एक तो महा आफत कही जाएगी कोरोना काल को, जिसकी वजह से जनता भूखमरी, आज के समय में ऐसा परिवेश आ गया है कि जल जमाव और नदी के कहर के वजह से 2 वर्षों से धान की फसल बर्बाद होती दिख रही है, गन्ना की फसल बर्बाद होती दिख रही है और प्रखंड स्तरीय नहीं जिला स्तरीय बात की जाए तो बहुत सारे ऐसे किसान हैं जिनमें मात्र 60% 30% या 40% किसानों को ही मुआवजे के रूप में धन वापस किया गया है, कुछ उनको धनराशि मिली है, मदद मिला है, पर 4 प्रखंड जो नदी के इस पार हैं, मधुबनी, पिपरासी, ठकराहा और भीटाहा, यहाँ पे किसी भी प्रकार की कोई सहायता राशि प्रदान नहीं की गई है, जिसकी शिकायत आपके MLC महोदय से भी की गई थी, विधायक जी से भी की गई थी, पर अभी तक किसी को किसी भी तरह का कोई लाभ नहीं मिल पाया, इस बारे में आप क्या कहना पाएंगे? यदि आपकी ही पार्टी इस तरह का अनदेखा काम कर रही है, इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले तो हम बताएं कि हम लोग के जो युवा विधायक श्री धीरेन्द्र प्रताप और रिंकू सिंह जी हैं, बहुत ही लोकप्रिय हैं और जनता में पूरी तरह से तन्मयता के साथ काम करते हैं। हम इस समस्याओं को उनसे भी बताएंगे और बात करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को ज़्यादातर सुविधाएं मिल सके, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को फसल क्षति का लाभ इत्यादि मिल सके। अभी जो राजेंद्र चौक से वार्ड नंबर 1 के लिए एक रास्ता है जिस पर पानी लगा हुआ है, उस विषय में भी हम उनसे बात करेंगे कि पानी की समस्या दूर हो जाए, जो काफ़ी लोगों ने हमसे यह बात आवाज़ उठाई कि ये जनता किसानों का नुकसान का क्षतिपूर्ति कब होगा?
बहुत जल्दी होगा और फसल क्षति का लाभ मुझे उम्मीद है कि संभवतः दिया भी जा रहा है, खाते में जाए। आपको जहाँ तक मैं बता दूँ कि ये प्रखंड जो है ठकराहा प्रखंड, भिटाहा प्रखंड, मधुबनी और पिपरासी प्रखंड फसल क्षति के चीज से वंचित रह गया। क्या आपने कभी कृषि भवन में जाके इसकी चर्चा की कि आप लोगों के आंखों के सामने पूरी की पूरी फसल बर्बाद हो गई? और आज के डेट में जब इसका आवेदन चल रहा था तो पश्चिमी चंपारण जिले में ये चार प्रखंड वंचित कर दिए गए। हम इसकी शिकायत अपने पदाधिकारियों से, माननीय सांसद जी से, विधायक जी से, MLC साहब से इस बात की शिकायत किए हैं और इस पर विधिवत हम बातचीत करने के लिए बहुत जल्दी उनसे मिलने वाले हैं कि हमें चारों ब्लॉक के लिए जो भी सुविधाओं से वंचित किया गया है उस पर जरूरी से जरूरी कागजी प्रक्रिया पूरी करके और सुविधाएं लोगों को दी जाए। जरूर। क्या आप ये बता सकते हैं कि आपके क्षेत्र में और आरण जिले में कुछ जगह ऐसे हैं कि जहाँ पे आबादी रहने में सक्षम नहीं है नदी के प्रभाव से, और उन क्षेत्रों में ना ही आने जाने का रास्ता है और ना ही एक नाव की व्यवस्था की गई है, नाव भी उपलब्ध नहीं है, और आपके प्रखंड, निजी प्रखंड, मातृभूमि प्रखंड ठकराहा में ही धूमनगर, हरपुर और श्रीनगर ऐसे पंचायत हैं जिनमें चार महीनों में आवागमन पूरी तरह बाधित है, वहाँ के लोग तड़प कर मरने को मजबूर हैं। इस बारे में क्या कहेंगे कि आपके पार्टी द्वारा, और कहने वाला ये कहता है क्या कि सुशासन की सरकार है, इस सरकार में ऐसी व्यवस्थाएं हैं, इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? इस बारे में सबसे पहले तो मैं बताऊं कि जंगल राज खत्म करके और लोगों को शांतिपूर्ण जीने की, इस समय जंगल राज की बात नहीं है, जनता की बात है, जनता तड़प के मरने को मजबूर है जल जमाव के वजह से। इस बारे में क्या जंगल राज से कहने का तात्पर्य मेरा ये था कि जब तक लोग शांतिपूर्ण तरीके से स्वाभिमान के साथ जीवन जीने का नहीं तैयार होंगे तब तक जो है उनके ऊपर विकास की बात क्या करेंगे। और आज के डेट में विधायक जी ने इतना प्रयास करके और श्रीनगर जैसे स्थान पर जो है कालीकरण हुआ, अगर अलकतरा वाला रोड बना तो यह विधायक जी का बहुत ही स्पेशल प्रयास है। मुझे लगता है कि रिंकू सिंह जैसा विधायक, मैं वकील साहब मेरा बात आप समझ नहीं पाए, मेरा सवाल सिर्फ इतना है कि नदी के कहर के वजह से प्रभावित क्षेत्र तीन पंचायत धूमनगर, हरपुर और श्रीनगर, वहाँ पे आवागमन सुचारू करने के लिए कोई सुविधा उपलब्ध नहीं है, इस बारे में क्या कहेंगे आप? और आज से नहीं सुशासन का सरकार, सुशासन बाबू का सरकार विगत 15-20 वर्षों से है, अभी तक इसका समाधान नहीं हो पाया। बात मैं बता रहा था कि उस जगह पर इतना दुर्गम जगह था श्रीनगर, में बहुत बार जाया करता था, तो श्रीनगर ऐसा जगह है जहाँ जाने में बड़ी मुश्किल का सामना करना पड़ता था। आज विधायक जी के देन से हर जगह कई ठो रोड बन चुका है जिस पर आवागमन, आज भी बाढ़ के क्षेत्र में भी आज भी आवागमन उस पर सुचारू रूप से चल रहा है। वहाँ पे श्रीनगर को भी जाकर विजिट करिए, मैंने श्रीनगर विजिट किया है, हरपुर में भी रोड बने हैं, श्रीनगर में भी रोड बने हैं, धूमनगर में भी रोड बने हैं। पहले जो है जंगल राज जब हुआ करता था उसमें कहीं कोई विकास का बात नहीं। मुझे सिर्फ नदी की व्यवस्था चाहिए, नदी की भी व्यवस्था, जमाव का रीजन चाहिए। माननीय हमारे मुख्यमंत्री महोदय ने नदी को भी पूरी तरह से साफ करवा कर और एक्टिव करवाने का काम किया कि बीच वाली नदी अगर तेजी से एक्टिव हो जाती है तो दोनों साइड की नदियां धीरे धीरे मंदा पड़ जाएंगी और तीनों नदी पर पुल की व्यवस्था कर आपको जाएंगी। आपको जहां तक मैं बताऊं, जहां तक हमें जानकारी है, हम लोगों ने देखा भी है, बहुत सारी न्यूज भी कवर हुई है कि माननीय विनय बिहारी विधायक ने इस सफाई कार्य को, नदी के सफाई कार्य को अवरोध उत्पन्न किया जिससे वो सफाई कार्य पूर्ण नहीं हो पाई। इस बारे में आप क्या कहेंगे? वो भी तो आप ही के पार्टी के सदस्य हैं। हमारे पार्टी के हैं विनय बिहारी जी का, उस क्षेत्र की समस्या, उस क्षेत्र की जनता ने उनसे जो रिक्वेस्ट किया था उस आधार पर उन्होंने कुछ निर्णय लिया था। क्या 70,000 की जनता को जीवित रखने के लिए, जीवंत रखने के लिए 5-6 लाख की जनता को बर्बाद किया जा सकता है? क्या तक न्याय? किसी को बर्बाद करने की बात नहीं है, वो अपने क्षेत्र की समस्या को कैसे हल करना है वो हल करने की व्यवस्था सोच रहे थे। हम अपने क्षेत्र की समस्या के लिए विधायक जी से बात किए हैं और वो अपना व्यवस्था, लेकिन हल होता तो दिख नहीं रहा है आज तक। आज तक मैं बता दूं, मैं अपने होश में ठकराहा प्रखंड में नदी पे कभी तक जो कहा जाता है सालों भर नाव की व्यवस्था नहीं देगी, सालों भर एक पीपा पुल की व्यवस्था नहीं देगी, पीपा पुल भी लगता है तो लगता है क्या कि उनके ऊपर कोई है ही नहीं। 3-4 महीने का टेंडर है, लगता है विलंब से बीच में टूट जाता है, उसका जवाबदेही कौन है? राम भरोसे चलने के लिए है नहीं। पिछले बार लेट से पीपा पुल लगा रहे थे, उस पर विधायक जी ने तुरंत DM साहब को फोन करके और स्पष्ट इस पर बात किया था और जल्दी से जल्दी पीपा पुल लगा था। इस बार शुरू में ही उनसे, विधायक जी से कहा जाएगा और जल्दी शुरू से ही अभी जहां तक हम लोगों का ये समय चल रहा है, चुनावी चल रहा है, आचार संहिता का समय चल रहा है, 12 दिसंबर को हम लोग के यहाँ मतदान है जी, ठीक। मैं आपसे ये जानना चाहूंगा कि पीपा पुल लगाने का समय जो है 15 दिसंबर को है,
तो क्या आप बता सकते हैं कि जनता कैसे जाएगी, अधिकारी लोग कैसे जाएंगे चुनाव में, कैसी क्या सुविधा हो सकती है? उसके लिए हम MLC साहब से बात करेंगे और स्टीमर की व्यवस्था भी करवाई जाएगी। और अगर पानी सही समय से पानी कम हो गया तो ज़्यादा उम्मीद है कि 12 जो समय हमारा मानक निर्धारित है